परिवहन को कौन कौन से कारक जो हैं, हम कहें कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो परिवहन को प्रभावित करेंगे किसी भी स्थान पे, या हम देश या प्रदेश की भी बात कर सकते हैं, जहाँ पर जनसंख्या का आकार बड़ा है तो नेचुरली है कि वहाँ पर परिवहन के साधन की या परिवहन की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा लोगों को आना जाना है, तो उसके लिए परिवहन के साधन भी अधिक चाहिए। और दूसरा चीज़ है परिवहन का खर्च। अभी भी हमने बात की कि हमको बहुत कम समय में पहुंचना है, तब हमारे लिए खर्च कोई मायने, लागत जो है वो कोई मायने नहीं रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कोई देश जो है वो गरीब है, उसका जो आर्थिक स्तर है वो उतना अधिक उच्च नहीं है, बहुत निम्न है, है ना। लोगों की आय, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम है, तो उस पर ये डिपेंड करेगा कि कौन सा परिवहन का साधन जो है वो वहाँ पर बहुत अधिक विकसित अवस्था में है। यदि वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते तो हम ये देखेंगे कि सड़क परिवहन का जो माध्यम है वो बहुत अधिक वहाँ पर विकसित होगा। उसके बाद रेल परिवहन और एयर रूट की हम बात करें तो वो वहाँ पर बहुत अधिक विकसित देखने को नहीं मिलेगा। तो दो चीज़ें जो हैं, पहला जनसंख्या का आकार कि कितनी डिमांड है, ज़्यादा जनसंख्या तो उतनी ही अधिक डिमांड परिवहन की, और दूसरी चीज़ परिवहन का खर्च, परिवहन में होने वाला खर्च। ये जो दो चीज़ें हैं वो किसी भी स्थान पर परिवहन को प्रभावित करते हैं। एक छोटा प्रश्न इसमें और बनता है, समकाल रेखा जिसको हम बोलते हैं आइसोक्रोन्स लाइन। बच्चों जैसा आप पढ़ते हैं कि समोच्च रेखा, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक उसी प्रकार आइसोक्रोन्स। आइसो का मतलब होता है समान और क्रोन्स का मतलब होता है समय। कोई भी स्थान समान समय लगने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं आइसोक्रोन्स लाइन। इसको यहाँ पर आप एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये कोई एक केंद्र है, इस केंद्र से आप देखेंगे कि जो उससे लगे हुए स्थान हैं जिसमें पहली लाइन बनी हुई है, तो ये सभी जगह को हम दो घंटा, ये जो 2, 4, 6, 8 लिखे हुए हैं ये घंटे हैं, तो हम ये देखेंगे कि इस केंद्र से जो 2 घंटे वाली लाइन खींची गई है उन सभी, ये जो रेखा खींची गई है 2 घंटे की, तो इसका मतलब ये है कि इस केंद्र से इन सभी स्थानों तक 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इसके बाद हम आगे देखें 4 घंटे वाली जो लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस केंद्र से उन सभी स्थानों को हम 4 घंटे में तय कर सकते हैं। तो किसी भी स्थान को, मतलब हम ये कहें कि समान समय वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोक्रोन्स या समकाल रेखा कहलाती है। तो ये आपके छोटे प्रश्न के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि आइसोक्रोन्स लाइन क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि तृतीय क्रियाकलाप के प्रकारों पर, और उसमें हमने अभी दूसरा प्रकार देखा। पहले हमने व्यापार पर बात की, इसके बाद अभी हमने परिवहन पर बात की, अब इसके बाद हम देखते हैं संचार। संचार भी जो है वो तृतीय क्रियाकलाप का एक प्रकार है। संचार क्या है, है ना बच्चों? हाँ, अभी तो अब शायद ये पुराने समय की बात हो गई कि हम डाकिये का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, और वो कब आएगा और हमारे लिए एक चिट्ठी लेकर आएगा। आप अपने स्मार्टफोन पे जब बात करते हैं, आप इंटरनेट में चैटिंग करते हैं, तो इन सब के माध्यम से आप क्या करते हैं? कोई लेटर आ रहा है, कोई चिट्ठी आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का संदेश जो है वो आप तक पहुंचा रहा है चिट्ठी के माध्यम से। जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आप अपने विचारों को प्रेषित करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, और संदेश भी, मैसेज भी आप पहुंचाते हैं। इंटरनेट में चैटिंग के माध्यम से भी आप यही काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे परिवहन का जो माध्यम होता है वो व्यक्तियों को या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, और वहीं जब हम संचार की बात करते हैं तो हमारे शब्दों को, विचारों को या संदेशों को
इनका आदान प्रदान ही संचार है। जब हम इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों तक इस चीज को पहुंचाते हैं तो हम इसे संचार कहते हैं। और सीधे से हम इसको समझ सकते हैं कि शब्दों संदेशों का या फिर विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संचार। अब जैसे हमने देखा कि व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो उसके लिए भी परिवहन के हम अलग अलग साधन उपयोग करते हैं। हमने बात की थी कि सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, या हम वायु परिवहन, जल परिवहन की बात करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब हमें संचार के माध्यम से अपने संदेशों को या विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो इसके लिए भी हम अलग अलग माध्यमों का उपयोग करते हैं। और परिवहन के जितने भी साधन हैं, परिवहन के जितने भी रूप हैं, उन्हें हम संचार पथ कह सकते हैं। संचार पथ मतलब संचार को ले जाने का एक रास्ता, माध्यम हो गया ना भाई। हम चाहे ट्रेन से है तो ट्रेन से भी बहुत सारी चीज़ें जो है, लेटर्स हैं, वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा रहे हैं। हम बस में भी देखते हैं, हमको मतलब हमें लग रहा है कि कोई महत्वपूर्ण कागज जो है वो या हम पेपर जो है, इम्पॉर्टेंट पेपर, वो आपको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। और उसे हम कैसे पहुंचाएं एक विश्वसनीय माध्यम, तो हम क्या करते हैं, कोई बस वाला हमारे पहचान का है और हम कहेंगे कि भाई फलाना जगह पे ये व्यक्ति आपको मिलेगा और ये लेटर आपको उसके हाथ में दे देना है। तो हम बस के माध्यम से या सड़क परिवहन के माध्यम से भी तो हम अपने संदेश या मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा रहे हैं, या फिर रेल परिवहन के माध्यम से, और ऐसा ही वायु परिवहन या जल परिवहन के माध्यम से ही हम करते हैं। तो परिवहन के जितने भी रूप होते हैं उसे हम संचार पथ कह सकते हैं या संचार पथ की संज्ञा दे सकते हैं। अब संचार के अलग अलग साधन या रूप हैं। जैसे हम बात करें, अभी हमने कहा ना भाई मोबाइल, मोबाइल का आप यूज़ करते हैं, आपको किसी से बात करनी है, कोई मैसेज देना है, तुरंत बताना है कि भाई फलाना व्यक्ति इतने समय तक आपके घर पहुंचेगा या आपको ये सामान ला कर देगा, तो हम बोल रहे हैं कि मैं तो पहुंच रहा हूँ, आप उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो आप एक नंबर जल्दी से प्रेस करते हैं और विद इन अ सेकेंड वो दूसरे व्यक्ति तक वो मैसेज पहुंच जाता है कि ये व्यक्ति आपके पास ये सामान लेकर आ रहा है या ये मैसेज लेकर आने वाला है। तो ये क्या हो गया, चाहे हम मोबाइल की बात करें, कोई दूरभाष की बात करें, या उपग्रह के माध्यम से हम देख रहे हैं, आप टीवी पर कोई एक प्रोग्राम देखते हैं या अपने रेडियो पर कोई आप एक प्रोग्राम को सुनते हैं, तो वो सिर्फ आपके शहर तक, आपके गाँव तक ही सीमित नहीं है। वही प्रोग्राम, वही कार्यक्रम जो है वो आपके विश्व के सभी अलग अलग शहरों में या देशों में सेम जो प्रोग्राम है वही कार्यक्रम बहुत सारे व्यक्ति जो है वो देख रहे होते हैं एक ही समय पे। तो ये किसके माध्यम से संभव है, ये सैटेलाइट और उपग्रह के माध्यम से संभव हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी हमने देखा कि मोबाइल है, दूर संचार है या उपग्रह, ये सभी जो विकसित अभी वर्तमान व्यवस्था में हम देखें, ये सभी विकसित संचार के साधन हैं। और इन्होंने जो संचार है, संचार के संचार का जो माध्यम होता है उसको परिवहन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। अब हम मोहताज नहीं हैं कि कोई बस जो है वो वहाँ तक जाएगी और ये लेटर पहुँचाएगी। हम क्या करते हैं, तुरंत एक पिक लेते हैं, स्कैन करते हैं उस पेपर को और संबंधित व्यक्ति तक उसे सेंड कर देते हैं और संबंधित व्यक्ति तक हम उसे सेंड कर देते हैं और वो ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है वो तुरंत उसे एक प्रिंट ले लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान की जो संचार व्यवस्था है ये अब परिवहन की मोहताज नहीं रही है, परिवहन व्यवस्था से इसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, जो हम संचार के अलग अलग माध्यम की बात कर रहे हैं तो इसी में हम देखते हैं जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम, मतलब शब्द को या संदेश को
कोई भी मैसेज हो सकता है या विचारों का जो आदान प्रदान है वो एक व्यक्ति ही नहीं बहुत सारे लोगों के बीच करने का जो माध्यम होता है उसे हम जनसंचार कहते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि टीवी पर जो आप कार्यक्रम देखते हैं, टीवी पर कोई न्यूज़ आ रहा है वो न्यूज़ आप भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, या रेडियो पर कोई जो न्यूज़ आ रहा है उसे भी आप सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसे आप ही नहीं सुन रहे हैं, वो चैनल जिस जिस शहरों में या हम कहें कि जिन देशों में वो चैनल आता है, वो जितने भी लोग उस चैनल को देख रहे हैं, उस न्यूज़ चैनल को, वो सारे लोग वो न्यूज़ देख पाते हैं और सुन पाते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, जनसंचार के माध्यम। और इसका माध्यम कौन सा हुआ, आपका दूरदर्शन हो गया और रेडियो, ये मतलब टीवी के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, ये सभी जो हैं वो टीवी के माध्यम से, हम कहें कि दूरदर्शन या अलग अलग और भी चैनल्स होते हैं टीवी पर जो आप वॉच करते हैं, तो ये आपके जनसंचार के माध्यम हैं। अब इसके साथ ही हम देखेंगे समाचार पत्र या जिसे हम न्यूज़पेपर, रोज की सुबह की शुरुआत आप सोकर उठते हैं और आपकी नज़रें जो है वो घर में न्यूज़पेपर को ढूंढती हैं। हमें ऐसा लगता है जब तक हमने सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तब तक हमारा पूरा दिन जो है वो अधूरा रह जाता है। तो समाचार पत्र या न्यूज़पेपर भी जो है वो आपके जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। लाख मोबाइल, इंटरनेट या सैटेलाइट्स के माध्यम से संचार व्यवस्था जो है वो विकसित हो गई हो, लेकिन न्यूज़पेपर की भी अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस या महत्व है। अभी जैसा मैंने कहा कि हमें दिन अधूरा सा लगता है जब तक हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर या समाचार पत्र नहीं पढ़ लेते। और हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम सुबह देखते हैं भाई कि आज की न्यूज़ क्या है, आज देश विदेश में क्या हो रहा है, ये सब खबरें जानने के लिए, ये सब समाचार देखने के लिए हम न्यूज़पेपर की राह जो है वो तकते हैं। तो समाचार पत्र भी जो है, न्यूज़पेपर भी जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। और कैसा माध्यम है, इसमें हम चीज़ों को, पिक्चर्स को, वीडियोज़ नहीं देख पाते, ये आपका मुद्रित माध्यम है, छपा हुआ जिसकी प्रिंटिंग होती है, छपा हुआ जो एक पेपर है वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है सुबह सुबह। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जनसंचार का एक मुद्रित माध्यम है। अब हम इन्हीं सब में हम देखेंगे, अभी हमने देखा ना भाई कि न्यूज़ चैनल, तो मनोरंजन और विज्ञापन जो है ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है। आप कोई मूवी देख रहे हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि ये कितना एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इतने सारे ऐड आते हैं, है ना, या हम कहें कि आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं और तुरंत एक ऐड आ जाता है। तो ये जो विज्ञापन होते हैं ये भी जो है हम कह सकते हैं कि संचार या मैसेज देने का या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो हमें आपके टीवी पर, टीवी अलग अलग टीवी चैनल्स पर सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे, साथ ही रेडियो पर देखेंगे, चाहे वो आपके मोबाइल पर हो। तो जो अलग अलग प्रकार के विज्ञापन आते हैं ये मनोरंजन के, या हम मनोरंजन के अलग अलग माध्यमों की या साधनों की बात करें तो ये सब भी जो है वो आपके जनसंचार के एक माध्यम है महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक इंटरनेट पर, हमने दूरभाष या हमने टीवी की बात की, मोबाइल की बात की, न्यूज़पेपर की बात की, अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेट। बच्चों, इंटरनेट जो है ये नेटवर्क का वह जाल है जो सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं सबको आपस में जोड़ रहा है। और ये जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ है हम कह सकते हैं कि इसने पूरे विश्व या संसार को ही एक वैश्विक ग्राम में बदल दिया है, एक वैश्विक क्रांति आ गई है और पूरा ग्राम जो है वो एक वैश्विक ग्राम के रूप में जो है वो विकसित हो गया है।
हमने देखा ना भाई कि अभी हमने बात की थी कि आप इंटरनेट पे चैटिंग करके एक विद इन अ सेकेंड में कोई मैसेज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी एक ऑफिस से जो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर हो सकता है, मैसेज होता है, आप उसको विद इन अ सेकेंड दूसरे ऑफिस या स्थान पर पहुंचा देते हैं। तो पूरा ग्राम जो है वो एक वैश्विक ग्राम, पूरा विश्व जो है वो एक वैश्विक ग्राम के रूप में विकसित हो गया है। अब इसके बाद हम एक और संचार का माध्यम है उपग्रह। ये उपग्रह जो है वो सैटेलाइट पृथ्वी के बाहरी, हम कहें कि वायुमंडल के जो एकदम बाहरी छोर पे है, बाहरी सीमा पर अलग अलग सैटेलाइट जो है वो स्थापित किए जाते हैं अंतरिक्ष पर, और पृथ्वी पर अर्थ में, हमारे पृथ्वी के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी महाद्वीप में हो, यहाँ पर और अंतरिक्ष से जो सूचना का प्रसारण होता है इसे हम उपग्रह के माध्यम से संचार के नाम से जानते हैं। सैटेलाइट्स वहाँ पर ऊपर लगे हुए होते हैं और उनका कनेक्शन अर्थ में, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी पर लगे अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्शन होता है, और वो सैटेलाइट जो हैं वो पूरे पृथ्वी पर अलग अलग पिक्चर्स का, मतलब हर टाइप की चीज़ों का जो है उसे इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं, सूचनाओं को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करके फिर उससे लगे हुए कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं, और वो कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर जो है उसे फिर से कन्वर्ट करके टीवी, न्यूज़ चैनल या मोबाइल, इन सभी के माध्यम से जो है वो हम तक पहुँचाता है। तो उपग्रह भी जो है, सैटेलाइट्स तो अभी वर्तमान का एक, हम कह सकते हैं कि एक सशक्त संचार का माध्यम है, या एक विकसित अवस्था तक पहुंचाने का एक इम्पॉर्टेंट रोल है सैटेलाइट्स का। अब हम तृतीय क्रियाकलाप का तीसरा प्रकार, सेवाओं की बात करते हैं। सेवाएं भी तृतीय क्रियाकलाप, टर्शरी एक्टिविटीज का एक प्रकार है। बच्चों, आप सुबह सुबह दूध लेने के लिए मिल्क शॉप में जाते हैं, किसी डेयरी में जाते हैं, वहाँ से आप मिल्क लेकर आते हैं, ब्रेड लेकर आते हैं, आप अपने कपड़ों को धोने के लिए किसी धोबी को देते हैं या लॉन्ड्री में दे देते हैं, कपड़े प्रेस करने के लिए किसी धोबी को देते हैं, या आपके घर का नल यदि खराब हो गया है तो उसे ठीक कराने के लिए आप किसी प्लम्बर को बुलाते हैं। तो सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जब हम दूसरे व्यक्ति से वो सेवा प्राप्त करते हैं और उस सेवा के बदले में हम किसी न किसी रूप में उसे भुगतान करते हैं, तो ये जो है वो क्या कहलाती है? सेवाएं। तो अभी हमने देखा कि चाहे वो नौकरी हो या कोई व्यवस्था, या मेंटेनेंस के लिए, रखरखाव के लिए, किसी चीज़ के मरम्मत के लिए भी हमने नल के मरम्मत की बात की, या किसी भी देखभाल के लिए, है ना, कोई नर्स आ रही है, कोई बीमार व्यक्ति है आपके घर में, एक बुज़ुर्ग बीमार व्यक्ति है और उसकी देखभाल के लिए आपने किसी नर्स को रखा हुआ है, तो वो नर्स जो है वो उस व्यक्ति की देखभाल कर रही है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि उद्योगों के लिए और व्यक्तियों के लिए, दोनों के लिए परिवहन भी जो है वो एक क्या करती है? आपको सेवा ही तो प्रदान करती है। जैसे आपको किसी उद्योग का जो माल है या अपना कोई सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, या हमको ही, जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करनी है और आप बस में बैठ गए, तो बस वाला क्या है, आप तो मुफ्त में, तो आपको वहां पर वो छोड़ नहीं देगा, क्योंकि वो आप को यात्रा के लिए एक परिवहन के रूप में सेवा प्रदान कर रहा है। तो आप उस बस में बैठेंगे या ट्रेन में यात्रा करें तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं, सेवाएं वह कार्य है जिसके बदले में कुछ ना कुछ भुगतान किया जाता है, मतलब सेवाओं का अपना एक मूल्य है, और ये सेवाएं जो है वो उन्हीं व्यक्तियों को मिल पाती हैं जिनकी कीमत वो अदा कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें या वायु परिवहन की बात करें, तो ये उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध हो पाएगी जो व्यक्ति जो है वो इनकी कीमत अदा कर पाएगा।
मतलब उसका किराया अगर आप भुगतान कर सकते हैं, वो खर्च वहन कर सकते हैं, तभी तो आपको वायु यात्रा की सेवा मिल पाएगी, अदरवाइज आपको ये सेवा नहीं मिल पाएगी। अब इन सेवाओं के भी जो है वो अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कुछ निम्न स्तरीय सेवाएं होती हैं और कुछ उच्च स्तरीय सेवाएं होती हैं। निम्न स्तरीय सेवाएं वो होती हैं जैसे कि एक हम एग्जांपल ले लें, अभी हमने बात की कि आप सुबह दूध लेने के लिए किसी डेयरी में जाते हैं या अनाज लेने के लिए आप किसी दुकान में गए, तो वो दुकानदार जो हो गया, धोबी जो आपके कपड़ों को लेकर जाता है धोने के लिए, मोची जो आपके जूते चप्पल रिपेयर करता है, माली जो आपके गार्डन उद्यान की देखभाल करता है, रसोईया जिसे आप खाना बनाने के लिए लगाए हुए हैं, ये सभी जो हैं वो निम्न स्तरीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अपनी सेवाओं के लिए क्या करते हैं, शारीरिक श्रम। तो ये जिनमें भी शारीरिक श्रम किया जा रहा है ये सभी जो हैं वो निम्न स्तरीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम महत्वपूर्ण जो कहें, मुंबई का डिब्बा वाला। मुंबई का डिब्बा वाला जो है, जो घर घर तक लोगों को खाने की सुविधा या खाने की सेवा प्रदान करता है, ये भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि जितनी भी निम्न स्तरीय सेवाएं होती हैं, इसमें शारीरिक श्रम तो ये अपना प्रदान करते ही हैं, शारीरिक श्रम के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। और दूसरी चीज़ इनका ये घरेलू, अधिकतर हम देखेंगे कि जो घरेलू सेवा होती है, घरों में जो सेवाएं की जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं, चाहे हम रसोइये की बात करें या हम धोबी की बात करें, हम प्लम्बर की बात करें, तो अधिकतर हम देखेंगे कि ये घरेलू सेवा में ही नियुक्त होते हैं। और इसके साथ ही साथ इनके सेवा के लिए जो भुगतान है वो अपेक्षाकृत कम भुगतान जो है वो किया जाता है। अब हम उच्च स्तरीय सेवा की बात करें, तो भाई एक टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाता है, एक लेखक जो पुस्तक लिखने का कार्य कर रहा है, एक डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, एक वकील जिसे आप अपने घरेलू जो कानूनी दाव पेच है उसकी उसके लिए सलाह लेने जाते हैं जिस सब वकील के पास, तो ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, उच्च स्तरीय सेवाओं के अंतर्गत। भाई हम किसी मोची को यदि कह दें कि जाइए ये चैप्टर पढ़ा कर आइए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। तो कोई भी सेवाएं जो हैं वो जिस जैसा नॉलेज होता है उस आधार पर वो व्यक्ति जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान करता है, स्किल्ड होते हैं अलग अलग क्षेत्र में। अब एक टीचर भी आप कहेंगे कि मोची का काम कर ले या एक प्लम्बर का काम कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नल बनाने वाला एक प्लम्बर जो है वो अपने कार्य में जो है वो बहुत अच्छे से निपुण है, दक्ष है, उसकी हर एक बारीकियों को वो जानता है। ठीक वैसे ही यदि आप एक शिक्षक को कह दें कि किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कर दे, ट्रीटमेंट कर दे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। या यदि आप एक डॉक्टर से कानूनी सलाह लें, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये सारे व्यक्ति जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कुशल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और उसी क्षेत्र में ही वो अपनी सेवाएं जो हैं वो प्रदान करते हैं। तो अभी हमने देखा कि सेवाओं को हम दो वर्गों में रखते हैं, पहला निम्न स्तरीय सेवा और दूसरी उच्च स्तरीय सेवा। अब जो हम उच्च स्तरीय सेवाओं की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं इसमें शारीरिक श्रम उतना नहीं किया जाता जितना मानसिक श्रम जो है वो किया जाता है। एक वकील जो है वो अपने किसी केस को, किसी कानूनी दावपेच को कैसे सुलझाना है, इसके लिए वो अपने दिमाग का प्रयोग करता है, मानसिक स्तर पर उसे बहुत श्रम करना पड़ता है, मानसिक श्रम वो करता है, अलग अलग दांव पेच लगाता है कि मैं क्या करूं जिससे इसका सॉल्यूशन निकले। टीचर जो आपको एक चैप्टर को, कोई लेसन पढ़ा रहा है, तो उस कंटेंट को पहले वो खुद समझेगा, पढ़ेगा, खुद समझेगा, और उसके बाद फिर वो आपको समझाएगा। तो ये सबके लिए वो क्या कर रहे हैं, खुद मानसिक श्रम कर रहे हैं। तो जो निम्न स्तरीय सेवाएं होती हैं उसमें हम देखेंगे कि शारीरिक श्रम अधिक लगता है, और उच्च स्तरीय सेवाओं में मानसिक श्रम जो है वो अधिक प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़, इसके बदले उनको निम्न स्तरीय सेवाओं के
यदि कंपैरिजन हम देखें तो इसमें उनको अधिक भुगतान भी जो है वो किया जाता है। अब सेवाओं में ही हम देखेंगे कि आप कोई सिनेमा देखने गए, कोई मूवी देखने गए किसी मॉल में या किसी सिनेमा हॉल में, आप खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, या ये सब क्या है? तो आपको जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं वो आपको क्या करता है, सेवा ही तो प्रदान कर रहा है। या कोई सिनेमा हॉल वाला जिस मल्टीप्लेक्स में आप जा रहे हैं तो वो भी आपको मनोरंजन के रूप में अपनी सेवा ही प्रदान कर रहा है, और उस सेवा के बदले में आप उसे भुगतान जो है वो करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये इस टाइप के जो आधुनिक हम कहें कि सेवाएं हैं, चाहे हम सिनेमा घरों की बात करें या हम रेस्टोरेंट की बात करें, तो ये सारी जो सेवाएं हैं वो बाजार के ही निकट जो है वो स्थापित किए जाते हैं। एक बाजार, शहर का जो बाजार होता है, बाजार क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र जो हम कह सकते हैं किसी भी नगर का या शहर का, तो वहाँ पर ही आप चले जाएंगे तो आपको एक डॉक्टर भी मिल जाएगा, वहाँ पर एक स्कूल भी मिल जाएगा, आपको सिनेमा हॉल भी मिल जाएगा, और आपकी ज़रूरत की अलग अलग चीज़ें भी जो हैं वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस सेवाओं के बाद हम देखते हैं मनोरंजन के साधन के रूप में, मान लो आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है और आप कोई फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं, या आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में बहुत रुचि है, तो आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, तो चाहे हम क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, एक गोल्फ कोर्स की बात करें, या फुटबॉल मैदान की बात करें, इनके लिए क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र की, बहुत बड़े मैदान की, बहुत बड़े एरिया की जो है वो आवश्यकता होती है, और सस्ती भूमि भी चाहिए, भूमि बड़ी भी होनी चाहिए और सस्ती भूमि की भी आवश्यकता होती है। तो चूंकि हम ये देखेंगे कि ये जो है ये सभी आपके शहर के बीचों बीच नहीं, ये आपके शहर के बाहरी क्षेत्र में जो है वो हमको देखने को मिलेंगे, और कारण ये है कि चूंकि शहर या नगर के बीचों बीच इतना क्षेत्र, खाली क्षेत्र नहीं मिलता है, सघन बसाहट होती है, और दूसरी चीज वहाँ पर शहर के केंद्र में या नगरों के केंद्र में भूमि का जो मूल्य है वो भी बहुत ऊंचा होता है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण हमने जैसे भी बात की, चाहे वो फुटबॉल मैदान की हो या क्रिकेट स्टेडियम की बात हो या गोल्फ कोर्स की बात हो, तो ये सब जो है वो उस नगर या शहर से बाहरी क्षेत्र की तरफ स्थापित किए जाते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे जितने भी हमने तृतीय क्रियाकलाप की बात की, तो ये तृतीय क्रियाकलाप जो हैं ये इनका परसेंटेज, इनकी मात्रा जो है या इस कार्य में जो लगे लोग हैं, ये आपको विकसित देश में ही अधिक देखने को मिलेंगे। विकासशील देश के जो लोग हैं वहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकतर प्राथमिक या द्वितीय क्रियाकलापों में लगी हुई होती है। विकसित देशों में हम देखेंगे कि वहाँ कार्यरत जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा जो है, और विश्व में जितने भी विकसित देश हैं उन सभी में भी सबसे अधिक यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 75% से भी अधिक पॉपुलेशन है, 75% से अधिक जनसंख्या जो है वो इन सेवा कार्यों में लगी हुई है। और वहीं हम अल्प विकसित जो देश होते हैं, पिछड़े हुए जो देश हैं, उस जनसंख्या का केवल 10% और 10% से भी कम हिस्सा जो है वो इन तृतीय क्रियाकलापों या सेवा कार्यों में लगा हुआ है। इसी को हम इस एक चार्ट के माध्यम से भी समझते हैं।